छात्र संघ चुनाव पर इस बार भी तलवार लटकती नजर आ रही है। प्रदेश के 15 विश्वविद्यालय और सैकड़ों महाविद्यालयों में नए सत्र के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। छात्र राजनीति पर तलवार, छात्रों को छात्र संघ चुनावों का इंतजार, आंदोलन की राह पर छात्र। नए सेशन की शुरुआत होने जा रही है और एक बार फिर से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का जो मुद्दा है गर्म हो गया है। एक तरफ राज्य सरकार स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर के बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, तो दूसरी तरफ छात्र और छात्र संघ इलेक्शन की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन बढ़ाते ही जा रहे हैं। हनुमानगढ़ और पाली के अंदर इसको लेकर के बाकायदा छात्र टंकियों पर चढ़ गए थे और छात्र संघ चुनाव की मांग की थी। साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि आने वाले दिनों में इस मांग को लेकर के आंदोलन और भी उग्र हो सकता है, लेकिन फिलहाल छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरकार की ओर से कोई भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में इसे लेकर शुक्रवार को छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। यूनिवर्सिटी से जेएलएन मार्ग तक जाने की कोशिश कर रहे छात्रों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा। पुलिस ने आंदोलन कर रहे चार छात्रों को हिरासत में भी लिया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सूबे की सरकार को घेर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार को छात्र संघ चुनावों की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर जयपुर में किए गए बल प्रयोग की मैं कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा करने के बजाय राज्य सरकार को उनकी मांग को मानना चाहिए। विद्यार्थियों पर बल प्रयोग, उन पर मुकदमे लगाकर उनके करियर को प्रभावित करने का डर दिखाना आदि लोकतांत्रिक कदम नहीं है। ये विद्यार्थी ही आगे की राजनीति का भविष्य है। ये वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन पर अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के आरोप लगते रहे हैं। इस पर भी गहलोत ने अपना स्टैंड क्लियर किया। गहलोत ने लिखा, हमारी सरकार के समय पुलिस प्रशासन के फीडबैक के कारण चुनावी साल में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा सके थे, क्योंकि प्रशासन विधानसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त था और अधिकांश जगह कॉलेज ही चुनावी गतिविधियों जैसे चुनावी ट्रेनिंग, ईवीएम भंडारण और मतगणना केंद्र आदि होते हैं। छात्र संघ चुनाव पर अशोक गहलोत की सफाई अपनी जगह, लेकिन आम राय यही है कि उनके राज्य में कैंपस के इलेक्शन पर रोक लगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर के पिछली गहलोत सरकार का तर्क यह था कि अभी नई शिक्षा नीति लागू होने की प्रक्रिया चल रही है, साथ ही छात्र संघ चुनाव अगस्त में होने के कारण इसका असर रिजल्ट और एडमिशन की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की ओर से एक सुझाव ये भी दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि छात्र संघ चुनाव के दौरान धनबल और बाहुबल का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है, लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का खुलकर उल्लंघन होता है और इन तमाम प्रक्रिया का जो असर है वो खुले तौर पर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को कारण मानते हुए राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग की ओर से छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लगा दी गई थी। तत्कालीन गहलोत सरकार ने धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की दलील देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। कब तक ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनावों को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है, इसीलिए कैंपस में इलेक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। छात्र अगर कैंपस की सरकार को लेकर इमोशनल है तो इसकी वजह भी है। छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई जैसी तस्वीरें उनकी यादों से ओझल नहीं हो रही, इसीलिए कैंपस में इलेक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसे ही कुछ बवाल काटते छात्रों की तस्वीरें हनुमानगढ़, अजमेर, पाली, बीकानेर, कोटपूतली, बहरोड़,
चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि चारों तरफ अब छात्र संघ चुनाव की मांग उठ रही है। विधानसभा के बजट सत्र में भी छात्र संघ का मुद्दा गूंजा। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने सदन में छात्र संघ चुनाव करवाने का मुद्दा उठाया। रविंद्र भाटी ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में छात्र संघ चुनावों से निकले नेता ही छाए हैं, इसीलिए सरकार छात्र संघ चुनाव करवाए। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बयान से असमंजस की स्थिति बन गई। उन्होंने जयपुर में कहा है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करवाए थे, न ही हमारी सरकार ने छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई। सरकार भले ही अपना पल्ला झाड़े लेकिन सूबे के छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए लामबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। वो लगता है कि प्रदेश में परीक्षा तंत्र को माफिया ने हाईजैक कर लिया है, फिर वो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला हो या डमी अभ्यर्थी और नकल गैंग के कारनामे, और अब छोटी छोटी परीक्षाओं में भी ये गैंग सक्रिय हैं। पेश है इसी पर एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में हुई घटनाओं से ऐसा लगता है परीक्षा तंत्र माफिया के हाथों में है। अब बाड़मेर में सामने आए मामले ने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षा में दनाव क्षेत्र आलमसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही 20 डमी अभ्यर्थी मिले हैं। यह खुलासा किसी व्यक्ति की सूचना पर हुई जांच में हुआ है। 17 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3 अभ्यर्थियों को नाबालिग पाए जाने पर हिरासत में लिया गया है। सूचना मिली कि इसमें कुछ परीक्षार्थी जो डमी के रूप में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, इस पर जांच की गई, तब पाया गया कि 20 लोग ऐसे थे जो परीक्षार्थी मौजूद नहीं था उसी जगह दूसरा दे रहे थे। इसमें से 3 डमी अभ्यर्थी 3 मौजूदा सरपंचों की जगह परीक्षा दे रहे थे, तो वहीं एक बड़े राजनीतिक रसूखदार परिवार के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस अब गैंग के तार खंगाल रही है। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जो भी अभी हो सकता कोई सरपंच हो या आने वाले इलेक्शन में कोई इलेक्शन लड़ने वाला हो वो भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जो डमी के रूप में जगह परीक्षा दिलवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। लगता है अब स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए परीक्षा माफिया पनप रहा है। वहीं काबिल स्टूडेंट्स का सिस्टम पर से भरोसा डगमगाने लगा है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो पूरे तंत्र पर ये माफिया कब्जा कर लेगा और वे ही युवाओं की तकदीर लिखने लगेंगे। बाड़मेर से न्यूज 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।